हाय गाइस, वेलकम बैक टू वर्णिका चावला व्लॉग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका आज के नए व्लॉग में। तो अभी बज चुके हैं 9, रात के 9 बज चुके हैं और मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट किया है। आप लोग देख सकते हैं पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है। तो पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है मतलब अभी एक तो सफाई भी चल रही है, इसके अलावा मैं पैकिंग भी कर रही हूँ। तो हम लोगों को कल अर्जेंट निकलना पड़ेगा। और क्यों निकलना पड़ेगा ये मैं आपको कल के ब्लॉग में ही बताऊंगी। तो अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ और कल हम लोगों को जाना है कहीं बाहर, तो वो मैं आपको बता दूंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आज क्या हुआ कि अभी तक भी मैडम की तबीयत ठीक नहीं हुई है, जुकाम है अभी भी। मौसम इतना बदल चुका है, काफ़ी सारी शॉपिंग भी करके लाए और देखिए ये ड्रेस भी लेके आए। अभी मैं पैकिंग स्टार्ट कर दी है और सबसे पहले जो है मैं वर्णिका के ड्रेसेस रख रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोग शायद दिवाली के बाद ही आएंगे। कुछ है फैमिली का जो है बड़ा काम है, वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है। तो आप आगे के व्लॉग कंटिन्यू देखते रहिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं अब। तो सबसे पहले ये बनने का कि मैंने ड्रेसेस रखी है, उसके बाद मैं मेरी ड्रेसेस भी रखूँगी। बीच बीच में वर्णिका जो है वो बातें भी कर रही थी, उसको मोबाइल चाहिए मोबाइल चाहिए, मोबाइल की ज़िद भी लगा रखी थी। तो मैं उस हिसाब से ही उसको मैं डांट भी रही थी, बीच में पिटते पिटते भी वो बच गई थी। बट ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा है तो स्कूल भी जाने लगा है तो नई नई चीज़ें वहाँ पर सीखता है। और बीच बीच में वो पूछ रही थी ये किसकी ड्रेस है, पैक क्यों कर रहे हो? अभी तक हमने उसको भी नहीं बताया है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो बाद में वो भी हेल्प करने लग गई थी मेरी। तो इस तरह से हम लोग पैकिंग स्टार्ट करती है और वो भी अपने ड्रेसेस ला ला के मुझे दे रही थी कि चलो मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो गाइस, इस तरह से हम पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं और सारी पैकिंग हमारी होने cuando visita su abuela, si necesita una amiga, debe hablar con ratoncito. अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे मुझे सिर्फ साड़ियाँ ही पहननी हैं और अदर ड्रेसेस मैं नहीं पहन सकती हूँ वहाँ पे। तो ये वो लाला के मुझे साड़ी दे रही है कि ये वाली साड़ी भी आप लेके चलो, ये वाली साड़ी भी आपको पहननी है। और तो ये क्या फैली हुई थी, नहीं ली थी, पर ठीक है घर पे पहनने के हिसाब से सही है। कम्फर्टेबल साड़ी, क्योंकि काम वाम भी बहुत होगा तो कम्फर्टेबल साड़ियाँ ही मैं लेके जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी बैग पैकिंग तो हो चुकी है, ड्रेसेस वगैरह मैंने रख ली है। आप आई है पारी बैंगल्स की, तो बैंगल्स भी छांट छांट के रखनी पड़ेगी। मोस्टली मैंने लाक के चूड़े जो होते हैं वो रखे हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में हम लोगों के यहाँ पे लाक के जो चूड़े होते हैं, लाक की जो बैंगल्स होती हैं, वो ही शुभ मानी जाती है। तो इस तरह से मेरे पास में एक छोटा सा पाउच है, तो वो ट्रैवलिंग के हिसाब से वो अच्छा रहता है। ये जो बैंगल बॉक्स है, ये पाउच है, तो ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था,
जो स्ट्रीट शॉपिंग होती है वहाँ पे, हमारे यहाँ पे ये होलसेल रेट में बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते। तो जब कहीं भी मुझे आना जाना होता है तो, वैसे तो मैं घर में तो इतने बड़े बॉक्स में रखती हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास में मोस्टली हर कलर की बैंगल्स मिल जाएगी। और मैं, क्या है कि मेरे हाथों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो टाइट है रहती है मुझे, तो इस वजह से मैं मोस्टली जो मेटल की जो बैंगल्स होती हैं वो, या लाख की बड़े साइज़ की बैंगल्स ही पहन पाती हूँ। अदरवाइज़ मुझे कांच की जो चूड़ियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं पहन नहीं पाती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा टूटने उठने का, झड़ने का डर रहता है। तो ये बैंगल्स जो है वो मैंने पूरी पैक कर दी है, और अब बारी आएगी कॉस्मेटिक रखने की। और ये आप लोग देख सकते हैं ये कैमरे के आगे किस तरह की हरकतें कर रही है, उसको बड़ा पसंद है कैमरे के आगे आना। तो गाइज, अब मैं कॉस्मेटिक वगैरह भी पैक करने वाली हूँ, तो अभी व्लॉग को यहीं पेंड करती हूँ। बस इतना सा ही व्लॉग था कि पैकिंग हो रही है, बाकी अगर आपको कुछ को व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कल मैं इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आऊँगी कि कल कहाँ जा रही हूँ वो मैं बताने वाली।